नमस्कार। 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित किया गया। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी हां, न्याय के मंदिर टेम्पल ऑफ जस्टिस जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। जी हां, आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके हक की आवाज नहीं उठा सका, और जो जवाब आप सरकार से चाहते थे वो जवाब आपके लिए नहीं ला सका। लेकिन मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद ही सही मेरी सस्पेंशन आज समाप्त हुई। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और चेयरमैन राज्यसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस 115 दिन के निलंबन के मेरे समय में मुझे आप सबकी बहुत दुआएं, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला। आप लोगों ने मुझे फोन कर, मैसेज कर, ईमेल डालकर, मिलकर बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, हिम्मत दी लड़ाई लड़ने की, डटे रहने की और इन लोगों से मुकाबला करने की। मैं आपकी सारी दुआओं के लिए, आपके आशीर्वाद प्यार के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत हमारी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जय हिंद।